हेलो एवरीवन वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव अकेडमी में तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अक्टूबर 2018 को जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ है इसके तीनों शिफ्ट के रिव्यूज़ की यानी कि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट ठीक है तो ये तीनों शिफ्ट के रिव्यूज की बात करेंगे कि इन तीनों शिफ्ट में 10 अक्टूबर 2018 को जो पेपर हुआ है रेलवे ग्रुप डी का उनमें तीनों शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बट गाइस वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटे के चिन्ह को दबा लीजिए जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि 2018 में जो ऑस्कर में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला तो ऑस्कर में 2018 ऑस्कर 2018 में जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है वो मिला है द सेफ ऑफ वाटर को एक क्वेश्चन पूछा है कि विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है थे तो इसके लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम एक क्वेश्चन यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स से पूछा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें सबसे पहला स्वर्ण पदक है ये किसने जीता तो ये जीता मीराबाई चानू ने ठीक है एक प्रश्न पूछा गया है कि जो बीपीजी बीजेपी पार्टी है बीजेपी देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बीजेपी है इसने गुजरात में जो 2017 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कितनी सीट जीती तो ये जीती है 99 नाएंट सीट जीती है ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था आज भी पूछा गया है ठीक है फिर यहाँ पूछा है सेंडिक्स के सीईओ कौन है तो सेंडिक्स के सीईओ की बात करें तो ये संजय मल्होत्रा ठीक है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है तो झारखंड की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ठीक है और झारखंड की बात करें तो राजधानी है रांची ठीक है एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि जो बेंगोल गजट नाम का जो न्यूज पेपर है इसको पब्लिश किसने किया तो ये बेंगोल गजट नाम का जो न्यूज पेपर है इसको पब्लिश किया जेम्स हिक्की ने ठीक है एक क्वेश्चन यहाँ आईफा वोर्ड से पूछा है कि आईफा वोर्ड 2017 जो थे इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला तो ये मिला निर्जा को मिला फिर पूछा है कि कचरा महोत्सव है ये कहाँ पे शुरू हुआ तो क्या कचरा महोत्सव की बात करते हैं तो ये शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में कहाँ पे छत्तीसगढ़ में अब आपको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है जो कि है रायपुर ठीक है फिर देखिए यहाँ पे पूछा ये कल भी क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी पूछा गया है कि श्रीलंका है इसके प्रधानमंत्री कौन है तो श्रीलंका की बात करें तो प्रधानमंत्री है रानिल विक्रम सिंह है ठीक है और यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि श्रीलंका है इसकी राजधानी क्या है तो देखो श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो थी लेकिन अभी इसकी राजधानी चेंज हो गई है और जो अभी रिसेंट में जो श्रीलंका की ऑफिशियल राजधानी है वो है श्री जयवर्धन पोरे कोते ठीक है और श्रीलंका की मुद्रा क्या है रुपया श्रीलंका रुपया ठीक है फिर संतोष ट्रॉफी से पूछा गया है संतोष ट्रॉफी 2017 ये किसने जीती तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संतोष ट्रॉफी ये किसके लिए दी जाती है क्योंकि कई बार क्या होता है ना गाइस देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी इसका संबंध किस खेल से है तो संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये जीत दी जाती है फुटबॉल के लिए और 2017 की जो संतोष ट्रॉफी है वो जीती है पश्चिम बंगाल ने ठीक है और पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी राजधानी है कोलकाता ठीक है फिर यहाँ पूछा है ब्राजील के ब्रांड एम्बेसिडर कौन है जो कि अशोक दास एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है एल्युमिनियम है इसकी परमाणु संख्या पूछी है तो एल्युमिनियम के जो एटोमिक नंबर होते हैं वो होते हैं थर्टीन ठीक है फिर हमसे पूछा है जो W है इसका एटॉमिक नंबर पूछा है तो W की बात करें तो W है किसके लिए आता है तो W होता है टंगस्टन के लिए और टंगस्टन की जो परमाणु संख्या है ना वो है सेवेंटी फोर चौहत्तर ठीक है फिर यह पूछा है कि जो चूना पत्थर होता है ना इसका केमिकल फॉर्मूला है वो पूछा है तो चूना पत्थर की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सी ए सी ओ थ्री ठीक है ये होता है फिर यह पूछा है मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं तो देखिए मैंने कल भी बताया था आज भी मैं बता रही हूँ तो मगरमच्छ जो है ना ये किस में आता है रेप्टाइल में आता है और जो रेप्टाइल होते हैं ना उनके हृदय में चैम्बर होते हैं तीन लेकिन रेप्टाइल में से एक ये है ना एक्सेप्शन केस है मगरमच्छ जिसके हृदय में चार चैंबर होते हैं बाकी रेप्टल जितने भी होते हैं ना सरी सर जिसे कहते हैं उनके चैम्बर होते हैं उनके हृदय में तीन चैम्बर होते हैं ठीक है तो फिर से मैं रिपीट करा देती हूँ कि मगरमच्छ के में तो मगरमच्छ रेप्टाइल है लेकिन फिर भी मगरमच्छ के हृदय में है चार चैंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉकरोच का पूछ लिया जाए कि कॉकरोच के हृदय में कितने चैंबर होते हैं तो हमारा उत्तर होगा तेरह और जो नॉर्मल मानव शरीर की बात करें ह्यूमन बींगस की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के हृदय में जो टोटल चैम्बर होते हैं ना वो होते हैं चार होते हैं और बर्ड्स की बात करें बर्ड्स नहीं सॉरी फिश फिश की बात करें मछली की बात करें तो मछली में होते हैं दो और एम्फीबियन और जो ये रेप्टाइल्स होते हैं इनमें होते हैं तीन होते हैं ठीक है थीके? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो इथिन है इसका केमिकल फॉर्मूला तो देखिए ये ये इथीन का भी पूछा गया इथीन इथेन का भी पूछा है अलग अलग जोन में पूछा गया है एक क्वेश्चन एक में पूछा गया है का तो इथीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना वो होता है सी टू एच फोर ठीक है अब यहाँ पे इथीन का हमने देख लिया अब हम देखते हैं इथेन का देखते हैं तो इथेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है सी टू एच सिक्स होता है ठीक है किस प्रकार होता है ये इस तरह से होता है ठीक है ये इस तरह से यहाँ पे जो यहाँ पे यहाँ सब जगह एच आ जाएंगे इस तरह से होता है ये ठीक है फिर यहाँ पूछा है डब्ल्यू बी सी है, इसका जीवन काल हमसे पूछा है तो क्या डब्लू बी सी की बात करें जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और इसका जो जीवन काल होता है ना ये तीन से पांच दिन का होता है ठीक है और अब डब्ल्यू बी सी के अलावा अगर आपसे पूजा जाता RBC पूजा जाता तो RBC की फुल फॉर्म पहले तो होती है रेड ब्लड सेल्स होती है ये पता होना चाहिए और इसका जो जीवन काल होता है ना RBC का ये होता है एक सौ बीस दिन का ठीक है फिर यह पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू और देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि भारत में कौन सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री हैं तो वो है अरुणाचल प्रदेश और ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री हैं तो वो है पेमा खांडू फिर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि है कि गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ तो ये हुआ पांच मार्च को हुआ झांझड़िया है ये किस खेल से संबंधित है तो देवेंद्र झांझड़िया की बात करें तो ये पैरा ओलंपिक जेवलिन थ्रोअर है ठीक है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि जो हिमाचल प्रदेश है इसके मुख्यमंत्री कौन है तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है सिलोंग सिलोंग नहीं सॉरी शिमला ठीक है तो शिमला राजधानी है किसकी हिमाचल प्रदेश की लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है वो कौन सी है तो देखिए हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला और जो ऑफिशियल राजधानी वो है शिमला एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक मूवी है टॉयलेट एक प्रेम कथा तो इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई ना वो किसने निभाई निभाई ठीक है तो टॉयलेट एक प्रेम कथा जो मूवी है इसमें मुख्य भूमिका निभाई अक्षय कुमार ने एक क्वेश्चन पे पूछा है कि भारत में सबसे ज्यादा केसर उत्पादन कौन से राज्य में होता है तो भारत की बात करें इंडिया में जो सबसे ज्यादा केसर उत्पादन होता है वो होता है जम्मू कश्मीर में होता है ठीक है अब यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की बात कर दी तो जम्मू कश्मीर की राजधानी हमें पता होनी चाहिए तो जम्मू कश्मीर की दो दो राजधानी होती है जम्मू और श्रीनगर ठीक है तो जम्मू होती है विंटर्स के समय में यानी सर्दियों में जम्मू होती है और गर्मियों में समर्स में कौन सी होती है श्रीनगर होती है ठीक है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि भारत का कौन सा दूसरा राज्य दूसरे नंबर का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है ये उत्पादन होता है ठीक है तो दूसरे नंबर पे जो राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल मिलता है वो है राजस्थान और पहले नंबर पे कौन है पहले नंबर पे मुंबई ठीक है फिर यहाँ पूछा है कि 2017 में जो आईपीएल कौन सी आईपीएल टीम है जो 2017 की विजेता रही तो ये रही मुंबई इंडियंस अगर 2018 का पूछ लेता तो 2018 का हो जाता चेन्नई सुपर किंग्स ठीक है फिर यहाँ पूछे सिक्किम के ब्रांड एम्बेसिडर कौन है जो कि ए, ए आर रहमान और ये सिंगर है क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस बहुत ही पूछा गया है फिर यह पूछा है कि तजाकिस्तान है इसकी मुद्रा पूछी है तो तजाकिस्तान की बात करें तो इसकी मुद्रा है सोमोनी इसकी मुद्रा है और इसकी जो राजधानी वो है दुसांबे ठीक है फिर यहाँ पूछा है कि भारत के पहले पुरुष कौन से पुरुष पूछा है इस गांधी का पहले पुरुष कौन से जिन्होंने चार बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है तो ये है लवरा सिंह धर्मशक्तु ठीक है फिर ये हमसे पूछा है वर्क की यूनिट पूछी है तो वर्क की बात करें तो वर्क की यूनिट होती है जूल होती है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कैरोसिन का इग्निशियम जो तापमान होता है ना ये कितना होता है तो कैरोसिन की बात करें तो कैरोसिन का इग्निशियम तापमान होता है थर्टी सेवन से लेके और सिक्सटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है फिर देखिए यहाँ पे देख लीजिए अगर आपसे हाइड्रोजन का पूछ दिया जाए तो हाइड्रोजन का होता है फाइव हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है अब आपसे पूछा है कि मानव शरीर है इसमें मानव शरीर का जो सैनिक है ये किसे कहा जाता है तो देखो मानव शरीर की बात करें तो इसका सैनिक कहा जाता है डब्लू को व्हाइट ब्लड सेल्स को क्यों क्योंकि देखो जब भी हमें इन्फेक्शन वगैरह होता है ना तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह इन सब से जो लड़ने का काम करता है ना वो करता है डब्ल्यू बी सी करता है ठीक है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि जब एक रबर बैंड होता है वो फैलता है जैसे रबर बैंड है और वो फैलता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है तो उसके अंदर होती है पोटेंशियल ऊर्जा होती है कौन सी होती है पोटेंशियल ऊर्जा होती है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि शरीर है वो किन दो कोशिकाओं से मिलकर बना है तो मानव शरीर की बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव सेल और जो सोमेटिक सेल है इनसे मिलकर बना होता है फिर यहाँ पूछा है कि ग्रोसमैन है इनको मैन बुकर प्राइज मिला तो ये कौन सी पुस्तक के लिए मिला तो ये ग्रोसमैन है इनको मिला अ हॉर्स वॉक इन टू अ वार्क पुस्तक है इसके लिए बुक है ये बुक का नाम है अ हॉर्स वॉक इंटू मैन को मिला है मैन बुकर प्राइज ठीक है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि वॉलमार्ट है इसका फ्लिपकार्ट है इसमें कितना प्रतिशत शेयर है तो वॉलमार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का जो शेयर है वो है सेवेंटी परसेंट ठीक है एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि सैद है इसका जो प्रमुख घटक होता है ये क्या होता है तो सहद की बात करें हनी जो होता है जिसे कहते हैं इंग्लिश में हनी तो इसका जो प्रमुख घटक होता है वो होता है फ्रक्टोस होता है फिर पूछा है कि जो पानीपत है इसके तीसरे युद्ध में किसने मराठाओं को हराया तो पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ तो इसमें जो अफगान है ना अफगानों ने मराठाओं को हराया था फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है धातुएं किस प्रकार किस प्रक्रिया से गर्म होती है तो भाई कौन सी प्रक्रिया है जिससे धातु हो गर्म होती है तो ये होती है चालन प्रक्रिया के द्वारा एक क्वेश्चन देखिए यहाँ न्यूमेरिकल पूछा गया है बहुत आसान न्यूमेरिकल है ये ओम स्लो पे बेस्ड न्यूमेरिकल है यहाँ हमें दे रखा है कि वोल्ट वोल्टेज दे रखा है वी दे रखा है वन थाउजेंड वोल्ट और जो आर दे रखा है रेजिस्टेंस ये दे रखा है टू हंड्रेड हमें निकालना है करंट निकालना है आई निकालना है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है तो देखो ओम स्लो की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू आर आई ये होता है ओम स्लो अब हमें निकालना क्या है गाइस हमें आई निकालना है तो आई निकालना है इट मीनस वी अपॉन आर हो जाएगा ठीक है वी अपॉन आर हो जाएगा तो यहाँ पे इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं इसके अंदर तो V की जगह कितना दे रखा है वोल्टेज एक हजार दे रखा है तो एक हजार लिख लिया अपॉन R R कितना दे रखा है दो सौ बस इसको सॉल्व कर देंगे जीरो से जीरो कट गई दो जीरो कट गई अब क्या बच गया अब बच गया दस बटा दो बच गया तो इसको काटेंगे तो पांच तो पांच उत्तर आ जाएगा पांच वोल्ट ठीक है फिर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स का पूछा गया है ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि आपको दे रखा है पाँच आठ छः पाँच नौ दस ग्यारह बारह उन्नीस अट्ठारह दे रखा है और हमें निकालना है इनकी माध्यिका निकालनी है यानी कि मीडियम निकालना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इनको जमा लेंगे बढ़ते हुए क्रम में जिसे हिंदी में कहेंगे आरोही क्रम में तो चलो फटाफट से हम इनको अरेंज कर लेते हैं देखो चार लिखा चार के बाद पांच छः सात है नहीं आठ फिर नौ फिर दस फिर ग्यारह बारह बारह के बाद थर्टीन नहीं है फिर है एटीन और फिर है नाइनटीन ठीक है तो ये हमने अरेंज कर लिया इनको अब हम देखते हैं ये टोटल हैं कितने तो हमने देखा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस हैं दस हैं तो जो बीच के जो है ना और बीच के कौन है नौ और दस हैं ये एकदम बीच में आ रहे हैं देखो इधर भी चार हो गए इधर भी चार हो गए और नौ और दस हैं ये एकदम बीच में आ रहा है और जब देखो दस है ना ये टोटल तो इवन नंबर है और जब भी इवन संख्या में होना तो उसके लिए हमें क्या पर करना पड़ता है बीच के जो दो है ना इनको जोड़ के और दो से इनमें भाग दे देंगे तो यानी कि नौ प्लस दस बटा दो तो नौ प्लस दस कितना होता है उन्नीस बटा दो करेंगे हम तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा काट देंगे हम तो काटने पे हमारा उत्तर आ जाएगा नौ पॉइंट आठ हमारा नौ पॉइंट पांच सॉरी नौ पॉइंट पांच हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए ये स्क्वायर रूट पूछा है किसका पूछा है वन जीरो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है बहुत आसान है क्योंकि नॉर्मली देखो चालीस तक स्क्वायर रूट हर किसी को याद होने चाहिए ठीक है तो चालीस तक स्क्वायर रूट हमें याद होते हैं तो हमें पता है कि जो ये वन जीरो टू फोर है ना ये थर्टी टू का स्क्वायर रूट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछा गया है कि दो कुर्सी है इनको एक कुर्सी को तो पांच प्रतिशत लाभ पे बेचा गया और दूसरी कुर्सी है इसको पांच प्रतिशत हानि पे बेचा गया तो इसका नेट लाभ या हानि बताना है कि नेट लाभ या हानि क्या होगा तो देखो जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए नेट लाभ या हानि पूछा जाए और हमको क्वेश्चन में दे रखा हो सेम लाभ और सेम हानि दे रखा हो या फिर दो मतलब कुछ भी उससे कोई वो कोई मैटर नहीं करता देखो ये चीज है कि हाँ जब भी सेम लाभ और सेम हानि दे रखा होगा ना तो ये तो श्योर है कि जो आंसर आएगा ना वो हानि होगी मतलब कि लॉस में आएगा लेकिन जब भी हमें नेट लाभ पूछा है नेट लाभ या हानि कुछ भी पूछा है तो उसके लिए सिंपल सा हमारे लिए एक फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज रख देंगे और आंसर आ जाएगा क्या फॉर्मूला है फॉर्मूला देखिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी ठीक है प्लस इंटू बी अपॉन में टू बस ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज़ रखेंगे उत्तर आ जाएगा तो एक ए क्या है पहला जो लाभ या आनी हो जो भी हो रहा है वो तो पहला क्या हो रहा है पांच परसेंट पांच प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पांच फिर क्या हो रहा है पांच प्रतिशत की हानि हो रही है तो माइनस कर देंगे तो पांच हो गया अब उसके बाद यहाँ पे देखो हानि हो रही है ना तो यहाँ पे ए और बी यानी पांच पांच लिखे जाएंगे तो एक प्लस फाइव एक माइनस फाइव तो यहाँ आ जाएगा साइन माइनस हो जाएगा तो फाइव इंटू फाइव अपॉन में अपॉन में देखो टू नहीं है सॉरी गाइस हंड्रेड है ये ठीक है गलती से टू लिख दिया है यहाँ पे हंड्रेड हो जाएगा ठीक है फिर हमने क्या किया देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा अब हमारे पास क्या हो गया यहाँ से यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ तो हमारा कितना बच जाएगा गाइस इजीली हम देख पा रहे हैं ट्वेंटी बच गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो चार तो यानी कि हमारे पास बच गया एक बटा चार अब जब हम इसको सोल्व करेंगे एक बटा चार को तो हमारा उत्तर आ जाएगा पॉइंट पच्चीस उत्तर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन वेन आर एक का है, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमें बताना है कि वुमेन यानी कि महिला फिर लड़की और बॉय इनके बीच में बताना है तो हमने क्या देखा जो वुमेन होती है ना महिला होती है उसी के अंदर आता है यानी कि देखो मैंने एम लिख दिया महिला लिख दिया है तो वुमेन होती है उसी में आती है गर्ल्स और लेकिन बॉयज इसमें महिला में नहीं आएंगे ठीक है तो बॉयज का अलग बन जाएगा तो ये बन जाएगा इसका अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक नंबर सीरीज का पूछा गया है पूछा है कि यहाँ पे एक है फिर पांच है फिर नौ है फिर तेरह है तो यहाँ पे क्या आएगा तो हम क्या करेंगे हमने जब एक में हमने जोड़े चार जोड़े तो पाँच आ गया जब पाँच में हम जोड़ देंगे तो नौ आ जाएगा नौ में जब हम चार जोड़ेंगे तो तेरह आ रहा है तो इसी प्रकार जब हम तेरा में चार जोड़ देंगे तो क्या उत्तर हो जाएगा सेवनटीन इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है तो ये चीज हमने देख ली है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा है कि एक लीप वर्ष है इसमें ओड डेज जो होते हैं ना ओड दिन का बताना है कि की संख्या क्या है तो देखो लीप की बात करें तो एक लीप में दिनों की संख्या होती है तीन सौ छियासठ और तीन सौ छियासठ में सात का भाग दे देंगे जब मैंने तीन सौ छियासठ है इसमें सात का मैंने भाग दिया तो क्या जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना शेष बच रहा है तो शेष बच रहा है दो तो ये दो शेष बचा है ना यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि दो ओड दिन बच गए दो ओड डेस आए मतलब दो ओड डेस ठीक है दो हो गया उत्तर फिर यहां पूछा है कि ऑड वन आउट का क्वेश्चन पूछा है और चार ऑप्शन दे रखे हैं तो इनमें से क्या होगा तीन ऑप्शन तो समान होंगे और एक अलग होगा वही हमारा उत्तर होगा तो फटाफट से चेक करते हैं देखो चालीस की बात करें तो ये इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है ठीक है और नाइन्टी सेवन की बात करें तो ये ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है और सिक्सटी थ्री की बात करें तो ये भी ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या है और पचपन की बात करें तो ये भी ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या है तो ये जो चालीस है ना ये संख्या है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा ए ठीक है अगला देखिए अगला क्वेश्चन ये नंबर सीरीज का है हमें दे रखा है क्वेश्चन कि चार के बाद नौ आ रहा है फिर नाइनटीन फिर थर्टी नाइन आगे क्या आएगा तो हमने क्या देखा चार से नौ कब आएगा जब हम इसमें पांच जोड़ेंगे और फिर नौ से उन्नीस कब आएगा जब हम नौ में दस जोड़ देंगे दस तो आ जाएगा अब उन्नीस से थर्टी नाइन कब आया जब हम इसमें बीस जोड़ देंगे यानी कि इसका डबल डबल जुड़ रहा है तो बीस का डबल क्या होता है बीस का डबल होता है चालीस और जब थर्टी नाइन में चालीस हम जोड़ेंगे तो उत्तर क्या जाएगा? उत्तर आ जाएगा उत्तर आ जाएगा सेवेंटी नाइन ठीक है ये उत्तर हो जाएगा फिर गाइस देखिए सिलॉक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सिलॉक्स में क्या होता है ना हम ऐसे करते हैं कि हमको क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट देके रखे मतलब स्टेटमेंट देके रहेगा दो तीन कितने भी दे उसके आधार पे हमें कुछ भी मतलब जो डायग्राम बनेगा कैसा भी बने वो डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा और उसके बाद दो हमें कॉन्क्लूजन दिए रहेंगे उनको हमें चेक करना पड़ेगा कि पहला फॉलो हो रहा है दूसरा फॉलो हो रहा है कौन सा फॉलो हो रहा है इस तरह से ये होंगे तो गई देखिए इस टॉपिक पे मैंने वीडियो भी बना रखा है तो नामदेव यूट्यूब चैनल की प्ले में जाइए रीजनिंग की प्लेलिस्ट में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा सब तो मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है तो वहां से आप देख सकते हैं फिर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा है कि आठ बज के चालीस मिनट हो रही है तो हमें बताना है कि मिनट और घंटे की सुई है इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा तो जब भी हमें कोण निकालना है तो मैंने बताया एक फॉर्मूला क्या है ग्यारह बटे दो मिनट माइनस डिग्री गुणा घंटे ठीक है ये फॉर्मूला है बस इसमें वैल्यूज रख देंगे और आंसर आ जाएगा तो ग्यारह बटे दो गुना मिनट कितनी है चालीस है फिर माइनस तीस डिग्री गुणा घंटे कितने आठ बज के चालीस मिनट आठ कर दिए इसको कैंसिल किया तो यहाँ ट्वेंटी आ गया तो इलेवन इंटू ट्वेंटी माइनस थर्टी इंटू एट ठीक है अब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ मुझे मिला 220 और यहाँ मुझे मिला 240 अब 240 में से जब 220 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा बीस डिग्री बीस डिग्री उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है? फिर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको प्रिंसिपल दे रखा है पांच हजार और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये दे रखा है दस प्रतिशत और समय दे रखा है दो साल का तो हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज निकालना है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो बहुत आसान करेंगे सबसे पहले तो हम देखते हैं तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी आ गई एक बटा दस ठीक है तो क्या हमने देखा कि जो देखो प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है प्रिंसिपल हमें दे रखा है पांच हजार दे रखा है और यहाँ पे इसको मैंने बता दिया था कि जो दस प्रतिशत है इसको हम एक बटा दस लिख देंगे फ्रैक्शन वैल्यू तो हमने क्या देखा प्रिंसिपल हमको दे रखा है पांच हजार तो हमें निकालना है इसका क्या निकालना है चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो अब जब पांच पांच हजार प्रतिशत है पांच हजार है इसपे एक बटा दस का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है तो क्या हो जाएगा देखिए पांच हजार है इस पे लगा दो एक बटे दस तो क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल यहाँ आ जाएगा पांच सौ तो यानी पहले साल में पांच सौ और दूसरे साल में भी पांच सौ अब चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज होता है कि जो साधारण ब्याज होता है ना उस उसपे ब्याज लगता है मतलब ब्याज पे ब्याज लगना ठीक है तो देखिए अब इस पे लगेगा पांच सौ पे एक बटे दस का लगेगा तो अब यहाँ देखिए पांच सौ है पांच सौ पे जब एक बटे दस का लगा तो क्या आ जाएगा पचास ठीक है तो ये आ गया तो हमने क्या देखा देखो अब इनको ऐड कर देंगे बस इनको ऐड कर देंगे यानी कि 500 प्लस 500 प्लस 50 तो 500 प्लस 500 कितने हो गए हजार और हजार प्लस 50 कितने हो गए एक हजार पचास तो ये इसका उत्तर हो जाएगा एक हजार पचास ठीक है फिर देखिए मिरर इमेज से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो मिरर इमेज है इससे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए फार, ये ये वर्ड दे दिया आपसे पूछ जाए कि इसके दर्पण बताओ तो यहाँ पे मिरर लगा लगा हुआ है और हमें बतानी है इसकी मिरर इमेज तो क्या होगा कि जो सारे ये जो अक्षर है ना ये उल्टे नजर आएंगे लेकिन पोजीशन नहीं बदलेगी गाइस पोजीशन सेम रहेगी तो अब देखो आर की बात करें तो कांच के सबसे नजदीक आर है आर किस तरह का बनेगा इस तरह का बनेगा और ए उल्टा सीधा कैसे भी बना दो तो ऐसे ही बनेगा और एफ कैसे बनेगा उल्टा इस तरह से तो ये उत्तर हो जाएगा फिर देखिए फिगर काउंटिंग से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि मान लो ये एक ट्रेंगल ये दे रखा है आपको ऐसी कुछ आकृति दे रखी है और आपसे पूछ दिया कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं तो हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं तो एक दो तीन चार चार इससे हो रहे हैं तो हम इनको जोड़ देंगे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार ठीक है और इनको जोड़ तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि दस त्रिभुज इस तरह से फिर देखिए यहाँ पे पूछा है कि जब गाय है गाय के, के, तो के साथ देखा दूध तो भीड़ के साथ यहाँ पे क्या आएगा तो देखो गाय की बात करें तो गाय क्या देती है दूध देती है इसी तरह भेड़ की बात करें तो भेड़ क्या देती है भेड़ से हमें मिलता है ऊन मिलता है तो उत्तर हो जाएगा ऊन तो गाय आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके और वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए सात ही घंटे के चिन्ह को दबा लीजिए जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो